हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाई गिल्डमैन रीजेंट अंडरगोज 1,4 एडिशन इंस्टेड ऑफ 1,2 एडिशन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, गिल्डमैन रीजेंट जो है 1,4 एडिशन क्यों करता है, 1,2 एडिशन क्यों नहीं करता है? जैसे हमने देखा हुआ है कि हमारे पास जो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो तो 1,2 एडिशन ही करता है, तो इसको हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं गिल्डमैन रीजेंट एक्चुअल में होता क्या है। गिल्डमैन रीजेंट इज लिथियम डायमिथाइल क्यूपरेट। ठीक है, लिथियम डायमिथाइल क्यूपरेट मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज R2CuLi। ठीक है, R जो है यहाँ पर मिथाइल है जो कि हमारा फर्स्ट कंपाउंड था, दैट इज गिल्डमैन रीजेंट। हेनरी गिल्डमैन ने इसको डिस्कवर किया था, सो इसका नाम बन गया लिथियम डायमिथाइल क्यूपरेट। पर लेकिन जनरल टर्म फॉर दिस गिल्डमैन रीजेंट इज दैट इज लिथियम डायलकाइल क्यूपरेट। और आजकल तो सारे ही क्यूपरेट्स को हम गिल्डमैन रीजेंट ही कंसिडर करते हैं। अब क्या देखा जाता है, दैट एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर इन साइज एंड कार्बन एटम। अब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है कार्बन से और छोटा भी होता है साइज में, सो इट इज़ मच हार्डर देन कार्बन एटम। तो ऑक्सीजन जो है वो हार्ड होता है कार्बन एटम से। सो इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एल्कीन ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप होता है वो सॉफ्टर होता है दैन द कार्बनल ग्रुप। एल्कीन ग्रुप कार्बन ग्रुप से सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन ग्रुप के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या है, हार्ड है, तो फिर कार्बन ग्रुप हार्ड हो गया। और कार्बन से क्या है, कार्बन जो है उनका साइज बड़ा होता है तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट। तो इस वजह से एल्कीन ग्रुप सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट इज बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये हमारा कार्बनल ग्रुप है। ठीक है, और ये रहा हमारा हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया बिकॉज इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स टेंड टू रिएक्ट एट द कार्बनल कार्बन, दैट इज एट द हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हमारे कार्बनल कार्बन पर एक्ट करते हैं, दैट इज हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे बीटा कार्बन पर एक्ट करते हैं, दैट इज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट पर जाएंगे और हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड सेंटर पर जाएंगे। अब देखता क्या है कि हमने लिथियम एंड मैग्नीशियम ऑर्गेनो कंपाउंड्स आर जनरली रिगार्डेड एज कंपाउंड्स इन विच द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन मेटालिक कार्बन। अब मेटल के कार्बन एटम के ऊपर हमारा सारा नेगेटिव चार्ज लोकलाइज रहता है, दैट इज़ वाई लिथियम और मैग्नीशियम कंपाउंड जो है उनको हम क्या कहते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। क्यों? क्योंकि इनमें जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ होता है, सारा ऑन दी मेटालिक कार्बन। ओके, ड्यू टू दिस रीजन लिथियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स ऑर्गेनो कॉम्प्लेक्सेस गिव्स एडिशन अक्रॉस कार्बन ग्रुप। तो इस वजह से कार्बन ग्रुप के अक्रॉस एडिशन देते हैं, ना कि हमारे एल्कीन ग्रुप के अराउंड। ठीक है, बीटा कार्बन पर एडिशन नहीं देते लिथियम और मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्सेस, पर लेकिन कार्बन ग्रुप के अराउंड देते हैं। अब मैग्नीशियम वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, RMGX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये भी हमारी 1,2 एडिशन देते हैं ना, मतलब इस पर ही हमारी एडिशन देते हैं। क्यों? बिकॉज ये सॉफ्ट है और बिकॉज ये मैग्नीशियम हार्ड है, इस वजह से कार्बन ग्रुप पर ही रिएक्शन अपनी देता है। अब देखो यहाँ पर 1,2 एडिशन लिखी गई है कि ये लिथियम जो है, इस लिथियम वाले कंपाउंड ने ऑर्गेनो लिथियम ने इसमें 1,2 एडिशन की। ठीक है, अब ये हुई कैसे, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे। जो लिथियम आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बन जो है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब ये वाले कार्बन पर एक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है इसलिए ये हमारे हार्ड सेंटर पर एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास एक जो है यहाँ पर एक स्टेट बनेगी, दैट इज CH2CHCO-CH3। ठीक है, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा। अब लिथियम आयन जो है वो यहाँ पर आ गया। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस करी या फिर वर्कअप किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, यही वाला कंपाउंड आ जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है, लिथियम हमारा रिप्लेस हो जाएगा विद द हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारी है 1,2 एडिशन। अब हम क्या देखते हैं, दैट ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स जो होते हैं, दैट आर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इस वजह से ये 1,4 एडिशन रिएक्शन देंगे, दैट इज़ नोन एज माइकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल कर लेते हैं माइकल एडिशन का। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH2CH, सेम कंपाउंड ले लेंगे, इसमें हमने क्या डाला, R2CuLi मतलब डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। ठीक है, हमारे पास क्या पता है हमें कि ये एल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमारे ये सॉफ्ट सेंटर पर एक्ट करेंगे, सॉफ्ट एल्काइल ग्रुप हमारा सॉफ्ट रिएजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है,
एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं, यहाँ पर हम दिखाते हैं बिकॉज ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा इधर ट्रांसफर करके दिखा दो और फिर हमारे पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगी स्टेट, CH3 जो है हमारा साथ में ऐड हो जाएगा एक, फिर हमारे पास CH2, देन CH, देन डबल बॉन्ड CO- CH3, ठीक है ये बन गया। अब O नेगेटिव के साथ लिथियम है तो ये लिथियम जोड़ देंगे हम, ठीक है। अब साथ में हमने क्या की हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास क्या बना, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ठीक है OHCH3। सो दिस इज 1-4 एडप्ट, सो ये क्या हमारा 1-4 एडप्ट है आफ्टर प्रोटोनेशन। अब एक्चुअल में प्रोटोनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनना है वो हमारा ये तो इनोल फॉर्म है, इसकी कीटो फॉर्म बनेगी कैसे, टॉटोमराइजेशन हो जाएगी, ये जो है हमारे पास बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास जो है एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा ये वाला रहता है, ठीक है। बट लेकिन 1-4 एडप्ट दिखाने के लिए हमें ये रिएक्शन ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि 1-4 एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं गिल्मन रिएजेंट, ना कि 1-2 नहीं देते, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन।